15 अगस्त को महिंद्रा ने अपने दो गाड़ियों के कॉन्सेप्ट मॉडल को अनवील किया है। पहली जो गाड़ी है वो है इलेक्ट्रिक थार और दूसरी है पिकअप ट्रक। इन दोनों गाड़ियों को साउथ अफ्रीका में अनवील किया गया है क्योंकि महिंद्रा इंडिया के साथ साथ और भी काफी देशों में प्रोडक्ट सेल करने वाला है। महिंद्रा पिकअप ट्रक का जो कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाया गया है प्रोडक्शन मॉडल में ऐसा मिल सकता है, 100% भी चीजें ये हो सकती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक थार है वो कम रियलिस्टिक लग रही है। अगर उसका 50% भी प्रोडक्शन मॉडल में आ जाता है तो काफी ज्यादा सही होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पिकअप ट्रक के बारे में, क्योंकि इस पिकअप ट्रक के साथ महिंद्रा और भी कई देशों में एंटर करने वाला है। इंडिया में पिकअप ट्रक का मार्केट बहुत ही छोटा है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया में दो ही पिकअप ट्रक हैं, एक टोयोटा हाइलेक्स एक इसुजू का, और इन दोनों की सेल्स काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती। महिंद्रा ने इसके पहले जो आज के टाइम पे स्कॉर्पियो क्लासिक है इसका भी एक पिकअप वर्जन निकाला था महिंद्रा गेटवे के नाम से, जो इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आज भी वो सेल आउट हो रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट मॉडल में जो हमें दिखाया गया है उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये जो महिंद्रा का ग्लोबल पिकअप ट्रक है काफी हद तक ये स्कॉर्पियो से मिलती है। हाँ, उससे बड़ी है, काफी सारी चीजें उससे अलग हैं। इसको ज्यादा ऑफ रोडर और ज्यादा रगड बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सिर्फ एक्सटीरियर को अनवील किया गया है, इसके इंटीरियर या इंजन या और सारी चीजों के बारे में नहीं बताया गया है। एक्सटीरियर डिजाइन में सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में इसमें बड़ी सी ग्रिल मिलेगी जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से काफी ज्यादा अलग है। नया हेडलैम्प डिजाइन मिलेगा जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। एल शेप की डीआरएल्स मिलेंगे और नीचे फॉग लैम्प की जगह आपको एक डीआरएल जैसी लाइट ही दी गई है। इसमें मेटल बम्पर का यूज किया गया है। सामने आपको टोइंग हुक मिल जाएंगे, वो भी दो, जिनको ऑरेंज कलर में रखा गया है। ब्लैक के साथ ऑरेंज काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया महिंद्रा कई सारे देशों में इसको बेचने वाली है, तो इंडिया से कई देशों में रूल अलग होते हैं, कई जगह और भी स्ट्रिक्ट होते हैं। और साइड में इसके 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। साइड में एक चीज और हाईलाइट हो रही है, वो है इसका फुटरेस्ट। फुटरेस्ट को ब्लैक और ऑरेंज का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है। जो दो अलग अलग फुटरेस्ट हैं काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। रियर में देखें तो रियर में नया टेल लैंप मिलेगा। टेल गेट में महिंद्रा की बड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जैसा ये पिकअप ट्रक है तो फोर व्हील ड्राइव के साथ आएगी ही। एक्सटीरियर डिजाइन में यही सारी चीजें अनवील की गई हैं, ना ही इसका इंजन और ना ही इसका इंटीरियर अनवील किया गया है। और इसमें कुछ चीजें जो आपको दिख रही होंगी, हो सकता है वो आपको एक्सेसरीज में ऐड कराना हो, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। लॉन्चिंग डेट अभी तक नहीं बताई गई है, ना ही ये बताया गया है कि इसके प्रोडक्शन वर्जन को कब तक लॉन्च किया जाएगा। जहां तक है 2026 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो महिंद्रा पिकअप के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है। तो आपको कैसी लगी स्कॉर्पियो बेस्ड पिकअप ट्रक कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये मार्केट में आती है तो क्या इसकी प्राइस हो सकती है ये भी आप बताइएगा। तो इस वीडियो का इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं।